और उसमें लिखा है कि पाउंड वॉयलेटिंग द प्रोहिबिशन विल बी डिस्ट्रॉयड विदाउट एनी लाइबिलिटी। तो मिलिट्री है भाई, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उठा के अंदर भी पटक देंगे और ड्रोन भी तोड़ देंगे और सीधे गोली पड़ेगी उसके ऊपर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रानीखेत एंड वी आर हियर एट सम वेरी बिग एंड ओल्ड टाइम ब्रिटिश कॉटेज। सो दिस प्लेस इज बेसिकली शिवान रोज विला एंड इट्स इन साइड रानीखेत। सो वी रीच्ड लास्ट नाइट, इट वॉज क्वाइट लेट, काफ़ी अंधेरा हो गया था, सो वॉज नॉट एबल टू शूट ओवर हियर। सो इट्स एन ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी एंड ओल्ड विंटेज लुक टू दिस एंटायर प्रॉपर्टी। बहुत बड़ी 7000 एकर्स में फैली हुई प्रॉपर्टी है ये और इट्स ऑल फुल्ली इक्विप्ड विथ नेचर, लॉट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंड एनिमल्स एंड लॉट्स ऑफ बर्ड्स ओवर हियर। सो क्वाइट प्लीजेंट, बहुत सारे टाइप के फ्लावर्स हैं, सो मेनी प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ओवर हियर। वन कैन श्योरली कम हियर अवे फ्रॉम सिटी क्राउड एंड अवे फ्रॉम नॉइस। बिल्कुल अगर आपको वो नेचर के बीच में एकांत चाहिए ना तो यू कैन डेफिनेटली रेकमेंडेड प्लेस है। इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्मेशन ऑफ कैक्टस, पाइन की ट्रीज और बहुत कुछ, न जाने कौन कौन सी ट्रीज हैं यहाँ पे, और पक्षियों के लिए कुछ दाना है, पानी की फैसिलिटी है। और मेरा चुन्नू आ गया। गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग, डोंट प्लक फ्लावर्स, ओके? No, no, you don't have to pluck any flower. Don't pluck any stone. Do not touch, okay? Bamboo bhi hai yahan pe. Not bamboo, this is bamboo. Bamboo. Yeah. And there's a playground for kids. Wahan kuch jhule lage hue hain. Bamboo. So, bahut hi zabardast si property hai. Aur hume luckily ek room mila, jo ki deluxe room tha. Aur baaki jo suite room hai aur jo cottages hain dusre, wo sari booked hain. Aur it's 2nd October. तो वीकेंड है और सो मेनी बटरफ्लाइज, हाँ, सो इट्स वीकेंड और छुट्टी है, तो 3-4 दिन की छुट्टी है, तो लोग बहुत मस्ती करने आए हुए हैं ना, तो रानीखेत ऑलमोस्ट फुल्ली पैक्ड है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे कौसानी की तरफ, एज आई सेड कौसानी भी ऑलमोस्ट पैक्ड ही जाएगा, पर ठीक है, अभी कोशिश करते हैं निकलने की। और 12 बज गए हैं, यहाँ से सिर्फ 2.5 घंटे का ही रास्ता है, तो आराम से जाएंगे घूमते फिरते इन वादियों को, इस नेचर को एंजॉय करते हुए। क्लाइमेट इज़ जस्ट ऑसम। रात को बहुत ही माइल्ड टेम्परेचर था, हल्की सी ठंड थी, मतलब आपको क्विल्ट की रिक्वायरमेंट थी। शिकाने अभी भी एक पतला सा कार्डिगन स्वेटर डाला हुआ है। सो शी इज़ कम्फर्टेबल प्लेइंग इन द गार्डन, प्लेइंग विद बटरफ्लाइज, क्वाइट एक्साइटेड, उसको बड़ा मज़ा आता है गार्डन में खेलने का। लाइब्रेरी, और ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि बंद है। होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूव्ड एंड क्लासिफिकेशन कमेटी। हेलो, सोवेनियर शॉप है, यहाँ से आप कुछ ले सकते हैं इफ यू वांट समथिंग लाइक फॉर नैनीताल एंड फॉर बर्ड्स फॉर माउंटेन्स। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ओल्ड ब्रिटिशर्स कॉटेज हाउसेज हैं जिसको बहुत सारे प्राइवेट होटल्स ने लोगों को लीज पे ले रखा है और ऐसी अपनी प्रॉपर्टीज को कन्वर्ट करके रखा है। सो ठीक है, अभी इनकी मस्ती चलने देते हैं। सो सोवेनियर शॉप से कुछ चीज़ें ली है मैंने, एक ये हैंडमेड डायरी की, रानीखेत का एक मैग्नेट और ये वर्क सेवर। अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क्ड है, चलते हैं कौसानी की तरफ, फटाफट निकलते हैं। और एक प्रॉपर मैनेजमेंट हमेशा आप लोगों को रखना चाहिए क्योंकि पैसे से ही सारा काम चलता है। तो बेसिकली हमने एक ये डायरी बना रखी है जिसमें हम लोग हिसाब किताब लिखते हैं, जैसे डीजल है, खाना कितना खाया, शिका किंडर जॉय, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट से और फाइनेंशियल से चलेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि पता भी चलना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि बस कार्ड से पेमेंट कर दिया और कैसे तो भी कितना भी पैसा खर्च कर दिया। तो बच्चे के साथ और वेदर के साथ जो कंडीशंस होती हैं उसमें कुछ ट्रैवल प्लान में चेंजेस हो जाते हैं, बट स्टिल ये चीज़ें मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। वी हैव रीच्ड मॉल रोड एंड ये भैया की शॉप है स्टॉप एंड शॉप। रानीखेत में आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, जैसे मैं शिका के लिए अभी डायपर ले रहा हूँ
और यहाँ पे ना यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर किराना और गिफ्ट आइटम्स, चॉकलेट्स, एवरीथिंग यू कैन गेट. तो यहाँ से कुछ शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि आगे जाना है कौसानी. आई रियली डोंट नो वहाँ पे क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है. भैया जी इसके मुझे टोटल 3 पैकेट दे दीजिए, 3 या 4 दे दीजिए टोटल एक्सेल साइज के. और घी कौन सा है वो बता दीजिए. सो सारी ज़रूरत की चीज़ें ले ली हैं अपन ने और निकल रहे हैं अभी यहाँ से फटना फटना. वेलकम टू द अबोड ऑफ मैन ईटर्स एंड हेड हंटर्स. दिस इज़ द पोस्ट ऑफिस ऑफ रानीखेत. वी आर गोइंग टूवर्ड्स कौसानी. सो ये कुमाऊँ विला है. फ्रंट राइट हैंड साइड टायर में थोड़ा सा एयर प्रेशर कम है, 23 दिखा रहा है. तो यहाँ शॉप मिल जाती तो ठीक है, अदरवाइज अपने पास इन्फ्लेटर है उससे काम चला लेंगे अपन. तो गाड़ी का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है और डीजल अपने पास है अभी. सो हाँ हाँ चलती है. दिस इज़ द मिलिट्री हॉस्पिटल, बिल्कुल पास में ही है. अब ये टायर प्रेशर का पंगा मुझे समझ में नहीं आया. अब देखो पूरा टायर प्रेशर सही हो गया है, तो मेरे ख्याल से सेंसर की कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि टायर मैंने दबा के देखा था तो उसमें मुझे कोई हवा कम तो लग नहीं रही थी. तो अब ठीक है हो गया, तो अभी मेरे ख्याल से ठीक है. फिर भी एक बार चेक तो करा ही लेंगे यार. 713 रुपये का बिल बना है. मसूर दाल ली है लाल 50 रुपए की, हाँ पैक करके दिए उसने. और घी दिया है, 2 मैनी पोको पैन दिए हैं 100 रुपए के, हाँ. और ठीक है बेटा घी दिया है 315 रुपए का. मैं नहीं मिले उसके पास, दो ही बॉक्स मिले. और मैं और कशिश ये बात कर रहे थे बेसिकली कि यहाँ पे ना तो इतने ज़्यादा लोग हैं रोड पे और बिल्कुल नीट एंड क्लीन सी है प्लेस, और बिल्कुल फालतू भी लोग रोड पे नहीं घूम रहे. हमारे यहाँ तो मतलब फालतू में लोग रोड पे घूमते रहते हैं और ठिलवाई करते रहते हैं. सो इट इज़ सो सिस्टमेटिक, द प्लेस इज सो सिस्टमेटिक. और ये कोतवाली रानीखेत है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है. सो इफ़ यू गाइज आर कमिंग टू रानीखेत जस्ट लुक एट दिस वार्निंग वेरी केयरफुली. नो ड्रोन जोन, देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन फ्लाइंग ऑफ एरियल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग drones and quadcopter for all varieties. और उसमें लिखा है कि pound violating the prohibition will be destroyed without any liability. तो भाई साहब बिल्कुल be careful, don't fly any drone near the vicinity of Ranikhet and inside the Ranikhet. मिलिट्री है भाई, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उठा के अंदर भी पटक देंगे और ड्रोन भी तोड़ देंगे और सीधे गोली पड़ेगी उसके ऊपर. एक्चुअली ड्रोन का इसीलिए मना है, आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. क्योंकि ड्रोन में क्या है, अगर आप एरियल व्यू लेना चाहते हो तो दैट्स कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड बिकॉज सेना के कुछ मुख्यालय हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनके स्कूल्स हैं और उनके रेजिमेंट्स बने हुए हैं जिसमें उनकी प्योरली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, उनकी एक्टिविटीज़ होती है जो कि वो किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहते. सो दैट्स द मेन रीज़न, और होना भी चाहिए. यू नो हमारे देश का कल्चर है और हमारी देश की सेना अगर कुछ डेवलपमेंट कर रही है तो वो बाहर नहीं जाना चाहिए. क्योंकि आप लोग ब्लॉग्स बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, तो आप लोगों को पता है कि आजकल सोशल मीडिया का बूस्ट कितना ज़्यादा है. सो यहाँ रुके हैं अपन, रास्ते में एक पंचर शॉप मिली अपने को तो टायर प्रेशर चेक करा लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आप करोगे? आप कर दोगे? अरे वाह यार आप तो बड़े उस्ताद निकले, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. कार्तिक टायर में हवा चेक करेगा और कम होगी तो भर देगा, एक्स्ट्रा होगी तो निकाल देगा. कितनी आ रही है? 20 22 22. यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं, एक लेफ्ट और एक राइट. सो वो अल्मोड़ा होते हुए कौसानी जा रहा है, ज़्यादा शॉर्टकट है ये, सुमेश्वर होते हुए जाएगा. और यहाँ से ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो सिंगल रोड है तो उसमें थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा. सो वी आर टेकिंग दिस बद्रीनाथ वाली रोड, कर्ण प्रयाग और बद्रीनाथ. सो भैया जी ने हमें यहाँ पर रोका है, यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. यहाँ से सोमेश्वर चले जाएंगे ना और वहाँ से कौसानी. ठीक है रोड अच्छा है पूरा? भैया बोल रहे कि बंद कर दो कार, आई डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है. छोटा सा गांव आया है, आप देखो कितना ज्यादा सुनसपट है, ऐसा लग रहा है कर्फ्यू लगा हुआ है. सो
आई डोंट नो यहाँ के लोग कहाँ चले गए, अभी तो सिर्फ 3:15 बज रहा है और इक्का दुक्का कोई प्राणी मुझे ना रोड पे दिख रहा है। दिस इज भगवाली पोकर। सो ये जो रोड है हम ले रहे हैं, ये सोमेश्वर होते हुए कौसानी जा रही है और भाई साहब बहुत ज़बरदस्त व्यू है सामने, माउंटेन्स का व्यू बहुत ही खूबसूरत।